यहां अपने हाथों की छाप छोड़ो। हाथों का क्या है, यहां तो सिर्फ हमारी ही छाप रहेगी। ये निशान तो सिर्फ शुरुआत है, ये सब हमारा है, और जौन हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। उनमी और प्रियोम में अब कोई रिश्ता नहीं है। जो कुछ प्रियोम के साथ हुआ है वो उसकी किस्मत है, लेकिन तुम हर बात के लिए उनमी को दोष देना छोड़ दो। अब दादी आप हम पर ही चिल्लाते रहिए, और बाकी घर में जो कुछ कर रहे हैं ना आप उन्हें वो करने दीजिए। गुड्डी जाने दो। ये सारी बातें उसकी समझ के बाहर है। लेकिन बड़ी अम्मा बात तो चिंता वाली है, हम सब बिंदिया को जानते हैं। प्रियोम ने जिससे शादी की है वो पर बेगूसराई छोड़ने से पहले ना बिंदिया बिल्कुल बदल गई थी। दुल्हन बदनामी का जिंदगी छोड़कर सराफत का जिंदगी अपना लिया था उसने, याद है ना? वह हमारे गृह उद्योग में अचार पापड़ बनाकर पैसे कमाती थी। हम आज तक छुपा छुपे का खेल खेल रहे हैं बाबूजी। क्या हुआ अम्मा, रो क्या रही हो? ये हवेली देख रही हो बिटिया, ये हवेली, ये बेगूसराय सब तुम्हारे बाबूजी का था। ये फूलन ठाकुर और मनचीते ने सब छीन लिया हमसे, मार दिया तुम्हारे बाबूजी को, और हमको सड़क पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। और भीख मांग कर भी हम तुम्हें कहां पाल पाए, और हम तुमको तुमको कोटे पे छोड़ा है। हवेली में राज करने वाली हमारी बच्ची को आज अपना पेट पालने के लिए लोगों के सामने नाचना पड़ता है। अम्मा हमें मेरा राज वापस चाहिए, जहां हम खेला करते थे। देख लेना एक दिन हम वो हवेली उस फूलन ठाकुर से वापस लेकर ही रहेंगे। हमने एक शादी क्या कर ली, सबकी जबान पर अचानक सवालों की बाढ़ आ गई। हाँ ऐसा नहीं है, हम खुश हैं कि तुमने शादी कर ली। तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते, लेकिन बिंदिया। हम बिंदिया से प्यार करते हैं। झूठ, हम अच्छे से जानते हैं तुमको। अगर तुम बिंदिया से प्यार करते होते ना तो हमको पहले ही पता होता। हमें भी तो नहीं पता था कि तुम लाखन से। खैर ये हमारी जिंदगी है और वो तुम्हारी, हमको प्लीज हमारे हिसाब से जीने दो, और तुम जैसे चाहे वैसे जियो। हम बस ये सोच रहे थे कि कहीं तुमने जल्दबाजी में कोई गलत कदम, कोई गलत साथी तो नहीं चुन लिया।